मेरा जन्म जिस हिंदू परिवार में हुआ वहाँ मेरे माता पिता या परिजनों ने ये बताया कि तुम्हारा भगवान आकार रूपी है, यानी मेरे भगवान का इंसानों जैसा रूप रंग है। मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता है, उसका भगवान यानी अल्लाह निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। दूसरी ओर हमारे गांव में ऐसे अनेक ईसाई परिवार है जिनका भगवान यानी गॉड भी निराकार है, यानी हर धर्म में भगवान गॉड या अल्लाह का अलग अलग रूप है। हिंदू में भगवान का रूप रंग इंसानों जैसा है, तो ईसाई में भगवान यानी गॉड का रूप रंग निराकार है। लेकिन सवाल है, अगर भगवान एक है तो उनका रूप रंग एक जैसा होना चाहिए था, या निराकार या साकार? क्यों एक धर्म में साकार है तो क्यों दूसरे धर्म में निराकार है? अब सवाल है, अगर मैंने अपने परिवार का हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया तो क्या मेरा भगवान का रूप रंग साकार से निराकार हो जाएगा? अगर मैंने हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया तो क्या मेरे भगवान का रूप रंग साकार से निराकार बन जाएगा? अगर मेरे मुस्लिम दोस्त अपना धर्म यानी मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया तो क्या उसका अल्लाह जो निराकार है धर्म परिवर्तन के साथ ही निराकार से आकार बन जाएगा? अगर ऐसा है तो हमें मानना पड़ेगा अल्लाह ना तो निराकार है ना साकार है। अगर धर्म परिवर्तन के साथ ही ईश्वर का रूप रंग साकार से निराकार या निराकार से साकार बन जाता है तो यह मानना पड़ेगा या कहना पड़ेगा कि अल्लाह गॉड या ईश्वर निराकार या साकार कुछ भी नहीं है। ये हमारे अपने मन की धारणा है। हम इंसानों ने अपनी जरूरत के लिए हिंदू इस्लाम या ईसाई धर्म बनाए हैं और इसी धर्म मुताबिक हम कहीं गॉड कहीं ईश्वर कहीं अल्लाह बनाए हैं। इसीलिए इंसान सभी धर्म में एक ही जैसे होते हैं, उनका खून का रंग लाल होता है, लेकिन सिर्फ धर्म के कारण उनका ईश्वर अल्लाह या गॉड अलग अलग रूप रंग के होते हैं और ये रूप रंग हम अपनी मनमानी धारणा से बना के रखे हैं। अगर कोई इंसान धर्म त्याग कर यदि नास्तिक बन जाता है तो उसका ईश्वर अल्लाह गॉड का भी अस्तित्व नहीं रहता है। अगर कोई इंसान हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म त्याग कर नास्तिक बन जाता है तो उसका ईश्वर भी साकार निराकार से खत्म होकर काल्पनिक बन जाता है। यानी एक नास्तिक के लिए ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक अंधविश्वास है, ईश्वर एक कल्पना है, ईश्वर एक अफवाह है। इसलिए अगर धरती पे नास्तिक है तो इससे साबित होता है ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता तो सभी लोग आस्तिक होते, ईश्वर विश्वासी होते। लेकिन आज विज्ञान और तर्क ने साबित कर दिया है कि ईश्वर अल्लाह गॉड एक कल्पना काल्पनिक और अफवाह है, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर विश्वासी अल्लाह विश्वासी या गॉड विश्वासियों का यानी आस्तिकों का दावा है कि ईश्वर ने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, हम इंसानों को बनाया है, पेड़ पौधा आसमान जमीन पानी हवा को ईश्वर अल्लाह गॉड ने बनाया है। अभी आप मैं क्यों नास्तिक हूँ सुन रहे हैं देख रहे हैं, अभी जो वक्त है यह वक्त भी यानी समय भी या टाइम भी भगवान ने बनाया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस वक्त भगवान अल्लाह या गॉड ने समय को बनाया था, वो समय कौन सा था कि भगवान या अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया था, वो टाइम या वक्त कौन सा था जब अल्लाह गॉड या भगवान ने ये पूरी दुनिया को बनाया, पानी बनाया, आसमान बनाया, जमीन बनाया, हवा बनाया। लेकिन सवाल है किस वक्त भगवान अल्लाह या गॉड ने समय को बनाया था, उस समय को किस अल्लाह किस गॉड ने बनाया था? सवाल यही खत्म नहीं होता है। अगर उस समय का सृष्टिकर्ता भगवान अल्लाह गॉड है तो उस भगवान अल्लाह गॉड का सृष्टिकर्ता कौन है, यानी
भगवान अल्लाह या गॉड का माता पिता कौन है, उनके दादा परदादा कौन है, सवाल पे सवाल खड़े होते रहेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर देने का दायित्व है ईश्वर विश्वासियों का, अल्लाह विश्वासियों का, गॉड विश्वासियों का। उन्हें ये बताना होगा कि इस ब्रह्मांड को अल्लाह गॉड या भगवान ने कब बनाया था, उस वक्त को किस अल्लाह ने बनाया था, किस गॉड ने बनाया था। अगर समय पहले से था तो ये मान लेना पड़ेगा कि समय को ईश्वर अल्लाह गॉड ने नहीं बनाया। तो ये भी मान लेना पड़ेगा कि ईश्वर अल्लाह कभी नहीं था, ये ब्रह्मांड अपने आप बना है, विज्ञान के नियम पे, साइंस के नियम मुताबिक बना है, और हम इंसानों ने अपनी कल्पना से ईश्वर अल्लाह गॉड की रचना की है। इसीलिए कुछ लोग आस्तिक यानी ईश्वर विश्वासी होते हैं और अनेक लोग यानी मुझ जैसे नास्तिक तर्कवादी भी होते हैं। हिंदू, ईसाई, इस्लाम के विभिन्न धर्म ग्रंथों में ये जिक्र है कि अल्लाह गॉड या भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यह जगह यानी ये स्पेस भी भगवान अल्लाह या गॉड ने बनाया है। मैं जिस जमीन पे खड़ा हूँ वो जमीन भी किसी अल्लाह गॉड या भगवान ने बनाया है। यानी आपके आंखों के सामने जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी जमीन दिखाई दे रही है, यह भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन सवाल है, अगर अल्लाह गॉड या भगवान ने पूरी दुनिया, ब्रह्मांड या धरती या जमीन को बनाया है, तो सवाल है कि वो जगह कौन थी जहाँ ईश्वर अल्लाह बैठकर पूरे ब्रह्मांड की रचना की। सवाल है वो जमीन कौन थी जहाँ अल्लाह बैठकर पूरी धरती का निर्माण किया, ब्रह्मांड की सृष्टि की। सवाल है कि वो स्पेस यानी जगह कौन थी जहाँ गॉड बैठकर या खड़ा होकर पूरी दुनिया की रचना की, इंसान बनाया, ब्रह्मांड को बनाया। सवाल है वो स्पेस यानी जगह कौन थी जहाँ गॉड खड़े होकर या बैठकर पूरी दुनिया, ब्रह्मांड की रचना की, सृष्टि की। अगर अल्लाह गॉड या भगवान किसी स्पेस यानी जगह पे उपस्थित होकर पूरे ब्रह्मांड का यानी गैलेक्सी, धरती, सूरज, चांद, हवा, पानी, इंसान की रचना की, सृष्टि की, तो सवाल है वो स्पेस या जगह पहले से था या भगवान ने आकर बनाया या कोई और भगवान वो जगह बना के रखा था। सवाल है उस भगवान को, ये अल्लाह को किसने बनाया था। अगर स्पेस या जगह पहले से था जहां ईश्वर अल्लाह ने उपस्थित होकर या प्रकट होकर पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की, तो हम तर्कवादी या युक्तिवादी सवाल खड़ा करेंगे वो स्पेस या जगह किसने रचना की या वो जगह या स्पेस पहले से था। अगर वो जगह या स्पेस पहले से था तो यह मान लेना पड़ेगा कि ईश्वर पहले से नहीं था, ईश्वर अल्लाह गॉड बाद में आया, और ये बाद में आया हम इंसानों के मन मस्तिष्क से। हम इंसानों ने अपनी मन मर्जी से ईश्वर अल्लाह गॉड की रचना की, सृष्टि की, कल्पना की और उनके नाम पूजा अर्चना की, मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाया। इसके साथ ही इस धरती पे नास्तिक भी बनने लगे, जन्म लेने लगे, जो ईश्वर अल्लाह को काल्पनिक अंधविश्वास अफवाह बताने लगे।